हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी एजुकेटर शोभा आज आपके लिए मैथ्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड मास लेकर आई हूँ। ये आपका एनसीईआरटी एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, बोर्ड मास। सबसे पहले आपको BODMAS इसका मीनिंग समझना है कि बी किसके लिए यूज़ हो रहा है। ब्रैकेट के लिए, ओ ऑफ के लिए, डी डिवाइड, एम मल्टीप्लाई, ए एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। जब भी आप कभी सिंप्लीफाई के कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सबसे पहले अगर आपके पास उसमें ब्रैकेट है तो आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर अगर ऑफ लिखा है तो ऑफ सॉल्व करना है, फिर आपको डिवाइड करना है, फिर आपको मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको ऐड करना है, फिर आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ऐसा नहीं कि सबसे पहले आपका मन किया कि सबसे पहले आपको माइनस दिया तो आप माइनस कर दोगे। ये आपका बोर्ड मास का रूल बनाया है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को, आपको छोटी क्लासेस में कुछ रूल्स करवाए होंगे आई थिंक, जो आपके मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन के लिए रूल्स यूज़ करते हैं। जैसे आपका यहाँ है प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, ये फॉर मल्टीप्लिकेशन है। और सिमिलर आपका डिवीज़न के लिए है प्लस माइनस 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 डिवाइडेड प्लस माइनस प्लस 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 और माइनस माइनस प्लस। ये रूल्स आपके बोथ मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में यूज़ होते हैं। लेकिन जो आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, आपको एक बात याद रखनी है कि जो आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो डिजिट बड़ा होगा उस बड़े डिजिट के साथ जो साइन होता है, हमेशा साइन उसका लगता है। किसका लगता है? जो डिजिट बड़ा है। तो चलिए अब हम एक एग्ज़ाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं कि बोर्ड मास के साइंस को कैसे सॉल्व करते हैं। हम लोगों के पास यहाँ कौन कौन से साइन है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, ऐड है और सब्ट्रैक्ट है। तो सबसे पहले मैंने आपको बोर्ड मास में बताया कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइड। तो हमारा स्टेप वन किसके लिए रहेगा? डिवाइड के लिए। डिवाइड के लिए हमारे पास क्या यहाँ पर है, 16 डिवाइडेड बाय 2। क्या है? 16 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 से हमने 16 को डिवाइड कर देना है, आंसर क्या आएगा? 8। तो इसको हमने इस डिवाइड को सॉल्व करने के बाद इस फॉर्म में लिख लेना है, 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस 5 माइनस 2, इतना हो गया। अब जब आप ये लिख दोगे, अब आपके पास क्या बचता है? अब हमारा स्टेप टू किसके लिए है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कौन सा है? 2 मल्टीप्लाई 8। तो हमने इस स्टेप में ओनली यही सॉल्व करना है, प्लस और माइनस सॉल्व नहीं करना है। तो हम 2 और 8 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? 16। तो 16 प्लस 5 माइनस 2, ये हमारा स्टेप थर्ड के लिए आ गया। अब हम लोगों के पास सब्ट्रैक्ट से पहले हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो अब हम सब्ट्रैक्ट से पहले ऐड 16 प्लस 5, इसको हम स्टेप 3 में ऐड कर देंगे। ऐड करके कितना आएगा? 21। ओके, 21 माइनस 2। तो जो हमारे पास ऐड करके आ जाएगा उसको हम लोग लास्ट स्टेप में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, समझ आया? हमने सबसे पहले क्या किया था? डिवाइड। सेकंड हमने मल्टीप्लाई, थर्ड हमने ऐड, फिर हमने सब्ट्रैक्ट किया था। आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा और साइंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट, जिसमें आपका ब्रैकेट भी होगा और ऑफ भी होगा, वो हम चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोगों के पास क्वेश्चन है 15 ऑफ 30 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 9 माइनस 10। अब इसमें आपके पास ब्रैकेट भी है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट कैसे सॉल्व करेंगे? जब हम ब्रैकेट को अंदर जो इक्वेशन या कुछ प्लस या माइनस या डिवाइड करने को दिया है, जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो आपका ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा। तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करके क्या हो जाएगा, 10 से जब 30 को डिवाइड किया 3, तो इस तरीके से आपका सॉल्व हो गया, ब्रैकेट रिमूव हो गया। अब ब्रैकेट रिमूव होने के बाद आपके पास क्या बचता है, 15 ऑफ 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 9 माइनस 10। अब हम ऑफ सॉल्व करते हैं। ऑफ क्या है? 15 ऑफ 3। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। अगर आपके पास हिंदी में ऑफ की जगह का लिखा होगा तो वो सेम थिंग है, आप का मतलब गुणा लेंगे उसमें। ओके, तो अब आप इसको क्या कर दोगे, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अब थर्ड स्टेप में, 15 मल्टीप्लाई 3। 15 थ्री ज़ा कितने होते हैं? 15 थ्री ज़ा 45। तो 45 मल्टीप्लाई 3 प्लस 9 माइनस 10, इस तरीके से सॉल्व हो गया। अब हम लोगों के पास फिर से 15 मल्टीप्लाई 3 बच गया, तो हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि अभी हम लोगों का मल्टीप्लाई ख़त्म नहीं हुआ है। तो अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 मल्टीप्लाई 3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम लोगों के पास आएगा 135 प्लस 9 एंड माइनस 10। अब हम लोगों के पास नेक्स्ट क्या है आपका, स्टेप फोर में हम क्या करेंगे, हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद कितना आता है? 144। फिर क्या बचता है? स्टेप फोर हमारे पास सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 144 माइनस 10। एंड आपका नेक्स्ट जो स्टेप है, नेक्स्ट इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब हम लोग इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करने के पास हम लोगों के पास आएगा 134। तो आप एक बार फिर से देख लीजिए कि हम लोगों ने किस तरीके से सॉल्व किया था।
हमने सबसे पहले ब्रैकेट, फिर हमने ऑफ, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट सॉल्व किया। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, आई होप आपको अच्छा लगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर विद फ्रेंड्स। ओके।